मंच पर विराजमान हमारे इस संस्था के फाउंडर मेंबर विश्वनाथ कराड़ी जी और इस कार्यक्रम के आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता राहुल कराड़े जी और इसी मंच पर डायस पर बैठी हुई हमारी नारी शक्ति जो अपने काउंसिल से अलग अलग क्षेत्रों में अपने पहचान बनाई है और मेरे सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों बच्चों, जिस विषय पर चर्चा आज होगी वो चर्चा है कि हम चंद्रमा पर उतर गए पर क्या इस धरती में महिलाएं सुरक्षित हैं, इस पर विचार होगा। स्वाभाविक है अपना अपना पर्सनल व्यू लोग करेंगे, कुछ सहमत होंगे कुछ असहमत होंगे। मैं तो शुरुआत करने के लिए, क्योंकि मुझे कहा गया है कि इसकी शुरुआत करनी एक भूमिका देनी है, तो मैं दो तीन चीज़ों से शुरू करना चाहता हूँ। हमारे भारतीय समाज में हमेशा नारी का महत्व रहा है। आप कहीं देख लीजिए, हमारे आस्थाओं में देखिए तो सीता राम है, माँ सीता है, राधे श्याम है, राधे माता है। कहीं भी आप देखिए, चाहे शक्ति के रूप में पूजिए तो शक्ति के रूप में भी, शिक्षा के रूप में भी और लक्ष्मी के रूप में भी। हमारे संस्कृत के हिसाब से हमारे समाज में नारी ही पूजा की गई है। ये आखिरकार आया कहाँ से? बच्चियों का यह हमारे एक तरह से वुमेन जो जेंडर है इसको एक सामाजिक तौर पर दबाव में लेने का काम शुरू कहाँ से हुआ? एक समाज की संरचना हुई होगी, ऐसा करके तमाम जब इस देश को गुलाम बनाया गया, देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा गया, तमाम सारी लोग बाहर से आए और कितने तरह के आक्रमण सबसे ज्यादा कहीं हुआ है इतिहास के पन्नों पर उठा देख लो तो सबसे ज्यादा हमला कहीं हुआ तो हमारे भारत के भीतर ही हुआ। तरह तरह के लोग आए, अपनी संस्कृति लेकर आए, अपनी संस्कार लेकर के आए, अपनी परंपरा लेकर के आए। हम सनातनी, हम सनातन धर्म को मानने वाले अपने संस्कार को बचाने का प्रयास करते रहे और इसी कारण से वो जो भेदभाव आया उसी कारण से आया। हमने कभी भी सुरक्षात्मक तौर पर ये विचार नहीं किया कि हमको अग्रसर होकर के आगे करना है। कानून हमने बनाया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, मंच में बैठी हुई हमारी नारी शक्ति बैठी है, यहां भी बैठे हुए हैं। आखिरकार हमारे यहां बच्चियों के जो बाल विवाह होते थे वो हमेशा होते रहे। हमने कानून भी बनाया, 1929 में कानून बना, चाइल्ड मैरिज रिस्टोरेंट एक्ट 1929 आज भी लागू है। पर क्या उसमें, उस कानून के भीतर से हम उसको रोक पाए? क्या हम नहीं रोक पाए, क्योंकि समाज ने उस तरह से विचार नहीं किया जिसके आधार पर हम उसको रोक सकते थे, हम नहीं रोक पाए। पर आज जब दूसरी चीजें हुई, हमारा समाज शिक्षित हुआ, हमारी बच्चियों को शिक्षित करने का अवसर मिला, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने को मिला, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, तो आज अपने आप उस कानून की जरूरत, कोई कानून जानता ही नहीं है, कानून नहीं जानता। पर हमने बहुत सारी हद तक उसको रोकने का प्रयास किया, रोक लिया। दूसरा कारण यह था कि हमारी बच्चियों का भविष्य, क्योंकि पितृसत्तात्मक सत्ता समाज था, तो उनके भविष्य को, उनको फ्यूचर को लेकर के इस तरह की बातें हुआ करती थी। पर उसको भी हमने धीरे धीरे करके, जैसे हमने शिक्षा की तरफ बढ़ाने का अवसर दिया, तो आज तो हम फक्र के साथ कह सकते हैं, और ये ईमानदारी से मैं आपसे कह रहा हूं, आज जब ओलंपिक में हमारी बेटियां मेडल लेकर के आती हैं तो हमें गौरव का क्षण प्राप्त होता है, इस देश को गर्व करने का अवसर प्राप्त होता है। हमने उनको अवसर नहीं दिया, पर जो कुछ छोटा मोटा अवसर निकला उसी अवसर को उन्होंने एक अवसर मानते हुए और उसको इस तरह से परिणाम की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। पहले एक चीज हुआ करती थी, एक महात्मा जी अपने प्रवचन में कहा करते थे, मैं उसको यहां बता देना चाहता हूं और उसको अन्यथा नहीं लेंगे, कोई अन्यथा नहीं लेने की आवश्यकता है। पहले हमारी बेटियों की शादी होती थी तो बेटियों की शादी के बारे में बेटियों से नहीं पूछा जाता था, और आज बेटियां नहीं पूछती किसी से, नहीं पूछती, तो करना क्या? वो परतंत्रता थी।
परतंत्रता थी। तो तीन चीजों में बांटना, परतंत्रता, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता। यदि कोई गाड़ी है, अब उसमें ब्रेक लगा हुआ है तो आगे बढ़ेगी नहीं, आगे जाएगी नहीं। अब ब्रेक यदि निकाल लोगे, ब्रेक यदि निकल गया उसका, तो हालत क्या होगी गाड़ी, आप समझ लो कहां जाने वाली है। इसीलिए ब्रेक भी लगना, समाज के संस्कार के, हमारी संस्कृति के, हमारी परंपरा के ब्रेक होना चाहिए और उसकी स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। और हम सबको एक मानसिकता को चेंज करने की आवश्यकता है। हमारे जो संस्कार है वो ठीक कहते हैं, हम कई बार करते हैं, हमारे मोदी जी जब कहते हैं कि हम बच्चियों से पूछते हैं कि 10 बजे रात क्यों आई है, हम कभी अपने लड़के से पूछते हैं क्या कि तुम 10 बजे रात कहां तक थे, क्यों आए। ये जो एक भाव है इसको बदलने की आवश्यकता है, इसको चेंज करने की आवश्यकता है। और ये चेंज कौन करेगा, चेंज यही नौजवान करेगा, युवा करेगा, क्योंकि वही किसी भी समाज के परिवर्तन का यदि कोई केंद्र बिंदु हो सकता है तो युवा ही हो सकता है, वही कर सकता है इसको। और मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में इसमें बहुत सारी चर्चाएं होंगी। अब वो अलग अलग विषय होंगे, राजनीतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, प्रशासनिक हो सकते हैं, तमाम शासन के स्तर के हो सकते हैं, नियम कानून के हो सकते हैं, संविधान के स्तर के हो सकते हैं, उन सारे स्तरों पर यह हो सकता है। पर मैं ऐसा समझता हूँ कि समाज ने एक बात को तय कर लिया तो हम निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं जो ये सब्जेक्ट है कि हमारी भारत की धरती पर हमारी बेटियाँ, हमारी महिलाएं सुरक्षित रह सकेंगी, हम ये कह सकते हैं। इस दिशा में चर्चा होगी और इस चर्चा की शुरुआत के लिए मैं आग्रह करता हूँ इसको शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।